हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के पीएसटी और पीईटी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में मतलब कैसे कैसे आपको करना है वहाँ पे भर्ती में, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होना है, हम सारे डिस्कस इस वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होना है। गाइज सबसे पहले आप देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम CBT बोलते हैं गाइज, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हमारा वो, जो कि हमारा कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है। आपको सबसे पहले वो क्वालिफाई करना है, ठीक है। और गाइज सेकंड नंबर पे देखिए, फिजिकल इंट्रोडक्शन मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, इसमें आपका PET और PST आ जाता है, इसमें आपकी हाइट चेस्ट वेट हो जाता है, इसमें आपकी रनिंग भी हो जाती है। ओके गाइज, आपको मतलब सेकेंड स्टेज में आपको ये मिलेगा। और आपकी अगर इसमें थर्ड नंबर पे बात करें, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर गाइज, थर्ड टेस्ट में आपका इसमें टाइपिंग होनी है, ठीक है, जिसके लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं आई थिंक, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, वरना हम जो भी मतलब बातें हैं हम आपको नीचे बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपकी 35 वर्ड पर मिनट, मतलब आपकी जो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड इसमें टाइपिंग में होनी चाहिए कम से कम। ओके, और नीचे देखिए गाइज, फोर्थ स्टेज भी जो आपका है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जिसमें आपका नॉर्मली टेस्ट आपका MS वर्ड पावर पॉइंट, जिसमें आपसे मतलब इनसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे कि आपको अंडरलाइन कैसे करना है, आपको पैराग्राफ किस प्रकार से सेट करना है, किस प्रकार से पैराग्राफ बनाना है आपको, ठीक है, शॉर्टकट की कैसे यूज करनी है, उन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा फोर्थ टेस्ट में, ठीक है। बाद में आपकी जो होती है फाइनलिस्ट गाइज, आपकी वो लग जाएगी, इस प्रकार आपका सिलेक्शन हो जाएगा दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल में। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था गाइज। और अब बात कर लें तो PST और PET के बारे में, ठीक है, तो गाइज नीचे आ जाइए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फिजिकल इंट्रोडक्शन मेजरमेंट टेस्ट PET एंड PST, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, हाइट इन सेंटीमीटर, चेस्ट इन सेंटीमीटर, मैं दोस्तों आपको सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। ओके, फॉर मेल कैंडिडेट ओनली यू आर मतलब होता है जनरल, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी जनरल के होते हैं बंदे, ठीक है, उनके लिए गाइज में आपकी हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर, जो ओनली जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, और जो भी मतलब इसमें क्या कहते हैं, चेस्ट देखिए, आपकी 78 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए ओनली जनरल्स के लिए, जो जनरल बंदे मतलब जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए इसमें चेस्ट मांगी गई 78 से 82 के समथिंग। ओके, और नीचे आई गाइज, फोर कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरियाज, हिल मतलब होते हैं गाइज मतलब पहाड़ी एरिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोंगरस, मराठा, कश्मीरी वैली, ठीक है, लेह लद्दाख से जो मतलब कि बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए गाइज में आपकी चेस्ट मांगी गई है 72 से 77, और आपकी हाइट मांगी गई है 160, इसमें कम से कम, ठीक है, होनी चाहिए आपकी इतनी मतलब हाइट होनी चाहिए। और फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू स्कूल्ड कास्ट, जो भी SC मतलब जो भी ST से हैं गाइज, ठीक है, स्कूल कास्ट ट्राइब्स से हैं, उनकी इसमें मांगी गई है गाइज, इसमें हाइट देख लीजिए आप, 160 में आपकी हाइट मांगी गई है, 72 से लेके 77 तक आपकी इसमें चेस्ट होनी चाहिए, जो भी ST कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, और गाइज नीचे आइए, फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली जनरल, जो भी मतलब लड़कियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो भी जनरल कास्ट से बिलोंग करती हैं ओनली जनरल, ठीक है, उनकी इसमें आपकी हाइट मांगी गई 157 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी चेस्ट और उसमें क्या कहते हैं, आपकी चेस्ट इसमें कुछ भी हो वो चल जाएगी आपकी, इसमें आपकी हाइट, बट आपकी हाइट जो इसमें 157 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए, जो गर्ल्स हैं और जो कि जनरल कास्ट से बिलोंग करती हैं। ओके गाइज, और नीचे देखिए, फोर फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरियाज, जो भी गर्ल्स हैं, जो भी मतलब पहाड़ी इलाके से बिलोंग करती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश या फिर गोरखा डोंगरस से बिलोंग करती हैं, उनकी इसमें हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें भी वही है, आपकी चेस्ट कितने भी हो वहाँ पे पास आपको कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम इसमें। आप इन सिक्स नंबर देखिए गाइज, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू स्कूल ट्राइब्ड, जो भी फीमेल हैं, जो भी मतलब गर्ल्स हैं, जो भी ST कास्ट से बिलोंग करती हैं, उनमें इसकी मतलब क्या कहते हैं, इनकी हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट होनी चाहिए, चेस्ट आपकी कुछ भी हो वहाँ पे चल जाएगी, आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, ये आपका यहाँ पे मतलब आपकी हाइट के रिकॉर्डिंग था, या आपकी हाइट और चेस्ट के बारे में। ठीक है, नीचे आइए गाइस, यहाँ पे देखिए, मेल कैंडिडेट, ये मैं आपके ओनली मेल के लिए बता रहा हूँ, अप टू 30 ईयर्स, जो भी 30 से नीचे है ना, उनकी गाइस में 1600 मीटर रेस होनी है, 7 मिनट में आपको क्लियर करनी है, लॉन्ग जंप आपका जो होता है 12.5 फिट का है, हाइंग जंप जो चीज को जिसको हम बोल देते हैं 3.5 फिट की है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे देखिए, अबो 30 to 40 ईयर, जो भी स्टूडेंट 30 से 40 के बीच में हैं, जो भी क्या कहते हैं, उनकी इसमें 8 मिनट में आपको रेस करनी है, 1600 मीटर आपकी रेस होनी है, जो भी 30 से 40 के बीच में है जो बंदे, और इसमें आपका लॉन्ग जंप 11.5 फिट है, और हाइंग जंप 3.5 फिट है आपका, नॉर्मल यही है। ओके, अब वो 40 ईयर्स, जो भी मतलब 40 ईयर्स से ऊपर हैं, जो भी एक सर्विसमैन पर्सन होते हैं, ठीक है,
29 में आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, 9 मिनट में आपको 1600 मतलब 9 मिनट में आपको 1600 मीटर रेस क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप आपका स्टेट 10 फीट है और 3 फीट इसमें आपका हाई जंप है जिसको ऊंची कूद बोल देते हैं हम। अगर नीचे आइए फीमेल, ये गाइज ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ओनली गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ मैं। ये ऊपर बॉयज के लिए था और ये ओनली गर्ल्स के लिए है। एज आप ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पे अप टू 30 ईयर, जो भी 30 ईयर से नीचे हैं या फिर 30 ईयर से मतलब 30 ईयर तक के समथिंग है मतलब एज में है जो गर्ल्स, उनकी इसमें 5 मिनट में आपकी 800 मीटर रेस आपको क्लियर करनी है। 5 मिनट में 800 मीटर, ठीक है। और लॉन्ग जंप आपका इसमें देख लीजिए यहाँ पे गाइस, 9 फीट आपको लॉन्ग जंप मिलेगा, वहाँ पे 3 फीट आपको ऊंची कूद करनी है। अप टू अबव 30 to 40 ईयर, जो भी गर्ल्स 30 से 40 के बीच में हैं उनकी ये गाइस, जिनमें आपको 6 मिनट में आपको 800 मीटर क्लियर करनी है। 6 मिनट में 800 मीटर आपको रेस क्लियर करनी है वहाँ पे, ठीक है। और जब आपकी रेस होगी गाइस, वहाँ पे आपकी ग्राउंड में रेस होगी, ठीक है, गोल सर्कल में आपको वहाँ पे गोल सर्कल मिलेगा, वहाँ पे आपकी उसमें मतलब वहाँ पे रेस करवाई जाएगी, ओके। और यहाँ पे देखिए लॉन्ग जंप 8 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा जो 30 से 40 के बीच में है, और 2.6 फीट आपका इसमें क्या कहते हैं हाई जंप होगा, ठीक है, 3 फीट से थोड़ा कम, ओके। और जो भी यहाँ पे देखें 40 ईयर से ऊपर है या फिर 40 ईयर तक समथिंग में एज में आती हैं जो गर्ल्स, उनकी गाइज में यहाँ पे देखिए 7 मिनट में आपको 800 मीटर क्लियर करनी है। 7 फीट आपका लॉन्ग जंप है, 2.3 फीट आपका हाई जंप है, मतलब 2 फीट से थोड़ा ऊँचे मतलब थोड़ा ऊपर आपको हाई जंप करना है, जो भी गर्ल्स 40 ईयर से ऊपर या 40 ईयर की हैं, ठीक है। और नीचे आइए टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर गाइज, देखिए आपको बताता हूँ मैं टप की टाइपिंग स्पीड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन फिजिकल इंडस्ट्रियल मेजरिंग टेस्ट PAT एज विल पर्सन PWD वो क्वालिफाई बेस्ड ऑन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विल कॉल्ड ऑन टाइपिंग ऑन टेस्ट कंप्यूटर 25 मार्क्स है गाइज। जो भी आपका कंप्यूटर टेस्ट होना है इसमें, जो भी टाइपिंग टेस्ट होना है आपका, इसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और 25 मार्क्स आपको कब मिलेंगे गाइज, जब आप 50 वर्ड पर मिनट लिखोगे, जब आपको 25 मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे, जब आप 50 वर्ड पर मिनट लिखोगे, ठीक है। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट लिखोगे आपको ये मान लो कि 10-15 नंबर मिलेंगे, आप 30 या 35 वर्ड पर मिनट लिखोगे, तो अगर आप 50 वर्ड पर मिनट वहाँ पे लिख देते हो गाइज, आप 50 से ऊपर कर देते हो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। आप गाइज इसमें टोटल पेपर आपका 125 मार्क्स का होना है, 100 नंबर का गाइज आपका ओनली पेपर होगा, और गाइज 25 नंबर आपको गाइज ओनली टाइपिंग के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। नीचे देखिए कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था गाइज आपको यहाँ पे मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, ठीक है। और गाइज नीचे देखिए यहाँ पे पेज स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है, बुलेट नंबरिंग चेंस केस इटैलिक्स यूज डिफरेंट फॉन्ट साइज, आपको गाइज मतलब नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए कि MS वर्ड आखिर होता क्या है, इसको डिजाइन कैसे करना है, इसमें हम कैसे पेज बनाते हैं, कैसे हम लेआउट करते हैं, आपको मतलब इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैन ये है। MS पावर पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, MS वर्ड के बारे में पता होना चाहिए गाइज, ओके, MS एक्सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये दो तीन है गाइज, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और MS वर्ड, गाइज ये 3 टॉपिक आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में ज्ञान कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करके आप इन मतलब इनके बारे में डिटेल्स ले लीजिएगा, कंप्यूटर सेंटर से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपका मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान होता है। जो मेन फोकस गाइज अपने रिटन टेस्ट पे करिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको किसी बात में आपको डाउट लगता है कि मेरी चेस्ट इतनी है मतलब मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, तो गाइज मुझे बता देना कि हाँ मेरे मतलब ये कमी है, मतलब मुझे आप कमेंट कर देना, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो यार, ठीक है, मुझे बता देना प्लीज़ गाइज, ओके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड।